तो आज हम बात करने वाले हैं ब्लूबेरी फंडेड के बारे में। देखिए, ये एक ऐसा प्रॉफर्म है जो गेम चेंजर हो सकता है प्रॉफर्म इंडस्ट्री में। जिस तरह की सिचुएशन चल रही थी, प्रॉफर्म्स आ रहे हैं जा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी वाला जो कंसर्न था वो हमेशा रहा है आपके सामने। बहुत सारे अच्छे से प्रॉफर्म्स आए और उनके साथ कुछ सडन हादसा हुआ और वो कोलैप्स हो गए, लेकिन इस प्रॉफर्म में वो पोटेंशियल मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं इसको बहुत नया प्रॉफर्म है, अभी जस्ट 4-5 दिन पहले लॉन्च हुआ है और अभी मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। और उसके पीछे है इनका बैकग्राउंड और जो भी एनालिसिस मैंने करी है रिव्यू करने से पहले, वो सारी इस वीडियो में आपके सामने रिवील करने वाला हूँ। और हाँ, गिव अवे भी होने वाला है। 5,000 डॉलर के अकाउंट दिए जाएंगे गिव अवे विनर्स को। उसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट चेंज हो चुका है। कैसे पार्टिसिपेट करना है मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि स्पैम कमेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे तो उसका प्रोसेस कम्प्लीटली बदल दिया है पार्टिसिपेट करने का। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं proffermatch.com की। अगर आप नहीं जानते proffermatch.com क्या है, तो यहाँ पर एक ऐसा टूल बनाया है लोगों ने, जहाँ पर आप जो भी ट्रस्टेड प्रॉफर्म्स हैं लिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पैरामीटर में इनको जो है इवेल्युएट करने के बाद यहाँ पर लिस्ट कर रहे हैं, तो ये टॉप रेटेड हैं। यहाँ पर कोई भी आप प्रॉफर्म सेलेक्ट कीजिए, उसके साथ आप ट्रेड कर सकते हैं, तो पे आउट्स वगैरह में कोई आपको इश्यू नहीं आएगा। वैसे बहुत सारे प्रॉफर्म मार्केट में चल रहे हैं, आप कन्फ्यूज्ड हैं कि अगर आपने ट्रेड करा किसी के साथ अल्टीमेटली आपको उसका पे आउट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर आपने जो भी मेहनत करी वो सारी वेस्ट तो नहीं चले जाएगी। तो ये सारे डाउट आप यहाँ पर, मैं कह सकता हूँ इन फर्म्स के साथ जो है ये चीज़ें आपके साथ नहीं होने वाली हैं। आप यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट प्रॉफर्म्स में, इनको आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा आपके बजट में फॉल कर रहा है, बाकी आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। इसके अलावा प्रॉफर्म्स में कोई रूल चेंजेस होते हैं तो आप इस टैब में क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बाकी पे आउट ट्रैकर का एक यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, और साथ ही कोई अनलिस्टेड प्रॉफर्म है जिसको आप रेट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से रेट भी कर सकते हैं, सो दैट वो प्रॉफर्म यहाँ पर लिस्ट हो सके। और साथ ही proffermatch.com से प्रॉफर्म चैलेंज खरीदने का एक और फायदा यह है कि जब भी आप कोई प्रॉफर्म यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से उसका कंप्लीट परचेज कर लेते हैं तो कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स आपको मिलते हैं, और इन पॉइंट्स को आप बाद में यूज़ कर सकते हैं फ्री इवैल्यूएशन चैलेंज क्लेम करने के लिए। जब भी आप इन पॉइंट्स को क्लेम करते हैं, अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं लास्टली स्पोकन, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आपके पॉइंट्स डबल आप क्लेम कर सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट कीजिए proffermatch.com, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब वापस बात करते हैं ब्लूबेरी फंडेड की। तो यहाँ पर ब्लूबेरी मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक टैब इन लोगों ने ऐड कर दिया है यहाँ पर ब्लूबेरी फंडेड, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दे रखा है और दूसरा विजिट का ऑप्शन दे रखा है। अगर मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ तो आपके सामने आती है वेबसाइट blueberryfunded.com। तो इस तरह का इंटरफेस है, आप देख सकते हैं, और ये बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो प्रॉफर्म मैच में अभी ये आया नहीं है, हो सकता है कुछ समय में ये लिस्ट हो जाए। अब बात करते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ की। सिंस ये नया है, अभी 4-5 दिन पहले ये लॉन्च हुआ है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, बात करते हैं उनके बारे में, जो इनको जो है एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल प्रॉफर्म बना सकता है। ब्लूबेरी मार्केट्स को आप नहीं जानते तो ये ट्रस्ट पायलट के हिसाब से आप देख सकते हैं 4.5 की रेटिंग है आउट ऑफ 5, एक्सीलेंट यहाँ पर रेटिंग है। लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों ने रेट करा है इनको, और ये एक ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटेड ब्रोकर है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक रेगुलेटेड ब्रोकर एक प्रॉफर्म लॉन्च करता है, और वो भी ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर स्टेबिलिटी वाला कंसर्न बहुत ज़्यादा हो, एक डर सा बैठा हो सभी के माइंड में कि ये प्रॉफर्म अभी तो चल रहा है लेकिन अगले महीने तक क्या ये चलेगा नहीं चलेगा, या पे आउट्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो सिचुएशन देखते हुए जो गैप है प्रॉफर्म और ब्रोकर के बीच का, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए इन लोगों ने एक सही टाइम का चुनाव करा और एंट्री मार दी मार्केट में। तो पहला स्ट्रॉन्ग फैक्टर तो यह है कि ब्रोकर और प्रॉफर्म दोनों कनेक्टेड हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर एक रेगुलेटेड ब्रोकर की बात करें, अगर वो किसी प्रॉफर्म को बैक कर रहा है, तो वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होती, या फिर अंधाधुंध चीज़ें नहीं होती, कहने का मतलब है। जैसे नए नए प्रॉफर्म आते हैं, लेवरेज बहुत ज़्यादा देते हैं, ठीक है, और बहुत तगड़े तगड़े ऑफर लॉन्च करते हैं, सो दैट एक हाइप क्रिएट हो सके और जल्दी से जल्दी एक अच्छा खासा कस्टमर बेस बनाया जा सके। और जैसे ही सिचुएशन ख़राब होती है तो फिर बहुत ज़्यादा जो क्राउड इकट्ठा कर रखा है तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी पैनिक सिचुएशन पे चला जाता है कि उसके बाद पे आउट ये सारी चीज़ों के इश्यूज़ आने जो है स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो कोर है वहाँ पर काम नहीं करती हैं फर्म्स। जैसे प्रॉफिट टारगेट बहुत कम हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा हाई लेवरेज देना, या फिर बहुत चीप प्लान निकालना। और अगर बात करें ऐसे प्रॉफर्म्स की जो बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, FTMO एग्जांपल ले लीजिए, इनकी आप एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं, इनके प्लान सबसे महंगे रहते हैं, राइट। और दूसरा, इनके प्रॉफिट टारगेट भी देखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत सबसे कम या फिर बहुत कम होगा, एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा होगा। और वही चीज़ें होती हैं जो एक प्रॉफर्म को एक
लंबे समय तक चलाने में हेल्प करती हैं। यहाँ पर ब्लूबेरी फंडेड ने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लान्स को बनाया हुआ है, जैसे वन स्टेप और टू स्टेप में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बजट फ्रेंडली प्लान निकाल रखे हैं, $5,000 से स्टार्ट अकाउंट और ऑल द वे अप $200,000 तक के अकाउंट रखे हैं। मतलब ये सारा एरिया कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट फ्रेंडली जो है वो भी रहे और एक बड़ा कैपिटल आप ट्राई करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता रहा था वो ये है, जब भी आप एक किसी रेगुलेटेड ब्रोकर की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे लेवरेज की बात करते हैं तो जो भी आपकी रेगुलेटरी बॉडी है उन्होंने जो भी आपको लेवरेज सेट करने के दे रखा है आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो यही फ़ायदा है रेगुलेशन होने का, क्योंकि ब्रोकर आपको अंधाधुंध लेवरेज नहीं दे सकता। अब एक बार फटाफट से इनके वन स्टेप, टू स्टेप और रैपिड को एक बार देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। वन स्टेप में चलते हैं, 10% का प्रॉफिट टारगेट है, मैक्स टोटल लॉस है 6% का, डेली लॉस है 4% का, 80% का प्रॉफिट स्प्लिट है और ड्रॉडाउन टाइप है स्टैटिक, मतलब कोई ट्रेलिंग वेलिंग वाला सीन नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है, ठीक है, और लेवरेज है 1:30 का। इसके अलावा मिनिमम 3 days का टाइम आपको ट्रेड करना होगा फंडेड स्टेज में और इवैल्यूएशन दोनों में, और पेमेंट की फ्रीक्वेंसी है 14 days, कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है। और इसके अलावा लेवरेज की बात करते हैं तो 1:10 मेटल और कमोडिटीज और इंडेक्सेस के लिए है, इसके अलावा क्रिप्टो के लिए 2:1 का लेवरेज है। और बात करते हैं टू स्टेप वाले प्रोग्राम की तो फेज़ वन का टारगेट है 10% का और फेज़ टू का टारगेट है 5% का। तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट टारगेट एक ऐसा रखा गया है जो कि फर्म को सस्टेन करने में हेल्प करे आगे, और बहुत सारे प्रॉफ फर्म्स ने इस तरह के टारगेट रखे हैं और अच्छा खासा सस्टेन कर रहे हैं। मैक्स टोटल लॉस है 10%, अगर टारगेट ज़्यादा है तो उसके हिसाब से 10% का यहाँ पर मैक्स लॉस भी दे रखा है, डेली का 5% और प्रॉफिट स्प्लिट है 80% का, ड्रॉडाउन टाइप स्टैटिक। बाकी लेवरेज में यहाँ पर टू स्टेप वाले प्रोग्राम में 1:50 का मिलेगा FX के लिए और बाकी सेम रहेगा इंडेक्सेस, कमोडिटीज और क्रिप्टो के लिए। अब बात करते हैं रैपिड की, ये एक सिंगल फेज प्रोग्राम है तो यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट है 5% का और मैक्स टोटल लॉस है 4% का, डेली का है 3% का, प्रॉफिट स्प्लिट सेम है 80%, लेकिन एक चीज़ है जो है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन वो आपको ध्यान में रखना होगा, और यहाँ पर इवैल्यूएशन के लिए टाइम लिमिट है 7 days का, लेवरेज 1:30 का, इवैल्यूएशन का मिनिमम डेज ऐसा कुछ है नहीं, और अगर आप फंडेड स्टेज में पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर 3 days का मिनिमम ट्रेडिंग आपको जो है करना होगा। तो कुल मिला के अगर आप बहुत रैपिडली ट्रेड करना चाह रहे हैं या फिर इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं देन आपके लिए रैपिड है। बाकी मैं पर्सनली देखूं तो मैं 2 step या फिर 1 step में से किसी एक को चूज़ करना पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो कंडीशंस हैं वो मेरी ट्रेडिंग स्टाइल को सूट नहीं करती, तो उस हिसाब से बाकी आपका ट्रेडिंग स्टाइल अलग हो सकता है तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो अगर प्राइस की बात करें तो 2 step का 100K देख लेते हैं एक बार, हम यहाँ पर $500 रखा है और इसमें 25% का ऑफ आप ले सकते हैं अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं लास्टली स्पोकन, तो 25% का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट्स जो भी हैं ये इनिशियल स्टेज में रहेंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि प्रॉफर्म जब नया लॉन्च होता है तो उसके बाद थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने के लिए डिस्काउंट्स या प्रमोशन निकालने पड़ते हैं। तो फिलहाल ये बहुत परफेक्ट टाइम हो सकता है एक डिस्काउंटेड प्राइस में चैलेंज खरीदने का, तो लगभग $375 के आसपास आपको 100K मिल जाएगा। और अगर आप छोटे अकाउंट में जाना चाह रहे हैं, लगभग 5000 का ये अकाउंट है $5,000 का, तो इसको वैसे $35 से स्टार्ट है, अगर आप अभी कूपन कोड यूज़ करते हैं तो ये आपको पड़ जाएगा लगभग $26 के आसपास। बाकी कुछ FAQs की बात कर लेंगे हम, लेकिन उससे पहले आपको इनका स्प्रेड दिखा देता हूं मैं। दो अगर आप ब्लूबेरी मार्केट से ट्रेड कर चुके हैं पहले तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो स्प्रेड के मामले में बहुत टाइट है ये, और आज फ्राइडे है, वॉल्यूम थोड़ा कम रहता है, उसके बाद भी बहुत टाइट स्प्रेड है। 15 मिनट का चार्ट है गोल्ड पर तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं दिखा देता हूँ यूरो यूएसडी पे, ये है यूरो यूएसडी और ये है 1 मिनट का कैंडल, तो इस पर आप स्प्रेड देख सकते हैं। अगर मैं मिड वीक की बात करूँ तो वहाँ पर मेजर पेयर में स्पेशली जो यूरो यूएसडी है या फिर पाउंड डॉलर है या फिर इंडेक्सेस में लगभग 0 pip के आसपास स्प्रेड होता है। अगर आप एक किसी प्रॉफर्म के साथ जुड़ना चाह रहे हैं तो आपको उनके रूल्स पता होने चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम तो मुझे देखने को मिली नहीं है, जितने रूल्स इन्होंने डिज़ाइन करे हैं लगभग मैंने सारे पढ़े हैं, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप ट्रेड्स को ओवरनाइट होल्ड कर सकते हैं, वीकेंड पर होल्ड कर सकते हैं, कुछ कंट्रीज़ यहाँ पर ज़रूर दे रखी हैं, अगर आप इन कंट्रीज़ में फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या फिर आसपास की कंट्रीज से हैं जैसे नेपाल, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बाकी एक्सपर्ट एडवाइज़र अगर आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। HFT
और इसके अलावा दो चार चीज़ें और भी ऐड कर रखी, ये आप एक बार देख लीजिए। कॉपी ट्रेडिंग अलाउड है, लेकिन वो आपके अकाउंट से ही होनी चाहिए, किसी थर्ड पार्टी के अकाउंट से नहीं हो सकती। और अगर पे आउट फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 14 डेज़ का टाइम है जो बार बार सेम वही रीसेट होगा, मतलब आज अगर आपने पे आउट लिया तो फिर अगले 14 दिनों के बाद आप ले सकते हैं। पे आउट्स के लिए इनका पार्टनर है राइज, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, वहाँ से आपको क्रिप्टो ऑप्शन मिल जाएगा विड्रॉल के लिए, या फिर आप डायरेक्टली भी अपने अकाउंट में ले सकते हैं, भले आप इंडिया में हो वहाँ पर भी आप INR में ट्रांसफर कर सकते हैं। और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें तो MT4, MT5 और DX इनके पास अवेलेबल है। बाकी एक चीज़ मुझे यहाँ पर लगी वो है न्यूज़ ट्रेडिंग के बारे में, कि यहाँ पर न्यूज़ ट्रेडिंग बिल्कुल अलाउड नहीं है, मतलब आप 10 मिनट की विंडो में जो भी जब भी आपकी मेजर रेड होल्डर वाले न्यूज़ होते हैं उसमें 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद इस विंडो में, मतलब 20 मिनट की विंडो में अगर आप ट्रेड करते हैं, ट्रेड चाहे ओपन करें या फिर क्लोज करें, तो इस दौरान आपका प्रॉफिट कंसिडर नहीं होगा, और लेकिन अगर आपका लॉस होता है तो लॉस कंसिडर किया जाएगा। और ये दोनों स्टेजेस में रहेगा, मतलब इवैल्यूएशन में भी और फंडेड में भी। कुल मिला के न्यूज़ ट्रेडिंग आप नहीं कर सकते ब्लूबेरी फंडेड में। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए एक रूल यहाँ पर डिज़ाइन करा हुआ है। और न्यूज़ ट्रेडिंग की बात करें तो पर्सनली मैं कभी भी न्यूज़ ट्रेडिंग को फेवर नहीं करता हूँ, और ना ही मैं प्रॉप फर्म वाले अकाउंट में कभी न्यूज़ ट्रेड करना पसंद करता हूँ, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग आप भी जानते हैं वो ट्रेडिंग है ही नहीं। आप उसमें एक सर्टेन अमाउंट लगाते हैं, या तो वो चला गया या फिर उसका अकाउंट फ्लिप हो जाएगा, तो इसको आप ट्रेड ना बोल के कहीं ना कहीं एक फ्लूक बोल सकते हैं, तुक्का बोल सकते हैं। तो वो चीज़ मैं तो बोलूंगा कि आप अवॉइड ही करें, ट्रेड आप तभी करें जब न्यूज़ का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो। देखिए गिव अवे के रूल्स मैंने काफ़ी सिंपल रखे थे पास्ट में, लेकिन उसका मिसयूज़ हुआ था और उसमें बहुत सारे स्पैम कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे लोग मल्टीपल आईडीज़ से कमेंट कर रहे थे, उसमें भी कमेंट जो है वो लॉजिकल नहीं होते थे। तो उसके चलते हुए अब फ्यूचर में जितने भी गिव अवेज आएंगे तो उन पे मैं कोशिश करूंगा कि वो यहाँ से हो, glim.io से। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ऑथेंटिक वे है, एक सही और ऑथेंटिक बंदे को जो है गिव अवे का रिवॉर्ड मिलता है। तो इसमें सिंपल सा क्या करना है, आपको ये पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आपको लॉगिन करना है, अपनी किसी भी आईडी से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, गूगल है, इसके अलावा एक्स है, या फिर ईमेल से, जैसे भी करना है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। उसके बाद यहाँ पर 5 स्टेप आपको दिख रहे हैं, जैसे ब्लूबेरी फंडेड को एक्स पे फॉलो करना है, और इसके अलावा ब्लूबेरी का डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना है, ब्लूबेरी फंडेड विजिट करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है, इसमें टाइमर लगा हुआ है, ये क्या है आपको बताऊंगा आगे। और इसके अलावा लास्टली स्पोकन चैनल के आप सब्सक्राइबर होने चाहिए, क्योंकि ये कम्युनिटी गिव अवे है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेते हैं तो बोनस 20 एंट्रीज आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा जो टाइमर यहाँ पर है, ये टाइमर है हर 4 घंटे में रिफ्रेश होता है, अगर आप हर 4 घंटे में यहाँ पर जब भी आपको मौका मिले आप इस पर विजिट करते हैं तो ये आपकी एंट्रीज बढ़ा देगा। जैसे मैंने यहाँ पर 13 एंट्रीज हैं तो 31 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, मतलब 30 दिनों का टाइम कह लीजिए। साथ में अगर आप एंट्रीज़ को बढ़ाना चाहें तो इसके लिए मल्टीपल टाइम इस टाइमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एंट्रीज़ को बढ़ा सकते हैं, और जितनी ज़्यादा एंट्रीज़ आपकी होती हैं तो उतने ज़्यादा आपके विनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। 30 दिनों का टाइम है, जब भी आपको टाइम मिले इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 3 लकी विनर्स को मिलेगा $5,000 के 2 स्टेप के इवैल्यूएशन प्रोग्राम, जो कि होंगे ब्लूबेरी फंडेड की तरफ से। और अल्टीमेटली अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं ब्लूबेरी फंडेड को, तो इसका लिंक और कूपन कोड मिल जाएगा, जिसमें आपको 25% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।